मध्य प्रदेश में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना आसान होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा आज देने जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूँ रीरो यादव। दरअसल आपने अक्सर ये देखा होगा, महसूस किया होगा, आम जीवन में आपने इस चीज़ से परेशानी भी उठाई होगी कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, भारी मशक्क़त आपको करनी पड़ती है और कई बार तो बाबुओं के दरवाज़े के चक्कर लगाते लगाते, दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको लंबे समय तक दौड़ाया जाता है। यदि आप संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं तो कई लोग परेशान होते हैं, कई लोगों को आसानी से हो जाता है जिनकी अच्छी धमक होती है। लेकिन अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी को एक बहुत बड़ी सौगात देने आज जा रहे हैं। MP के लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए आज से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संपदा 2 सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप बहुत ही आसानी से संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको डिटेल भी दे देते हैं। देखिए, संपत्ति की GIS मैपिंग, दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग और बायोमेट्रिक की पहचान पूरे तरीके से डिजिटल हो जाएगी और इसके लिए आपको किसी भी स्टूडियो के या फिर किसी भी दफ्तर के बार बार जो आपको जाना पड़ता था मैपिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, बायोमेट्रिक पहचान के लिए, वो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि ये सभी सुविधाएँ आपके मोबाइल पर ही आपको मिल जाएंगी और मोबाइल फ़ोन में आपको पता है कि किस तरीके से बहुत आसानी से आप अपने हाथों से खुद भी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसको पूरा कर सकते हैं। अच्छी बात ये भी है कि कई दस्तावेज़ों के पंजीयन के लिए उप पंजीयन कार्यालय में भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दस्तावेज़ों के पंजीयन कराने के लिए आपको जब कार्यालय जाना होता है तो कई बार बहुत लंबी लाइन होती है, कई बार बाबू मौके पर मौजूद नहीं होता है और या फिर आपको कुछ वहाँ पर फीस भी देनी होती है जो कि वैलिड नहीं होती है। इन चीज़ों से भी बचा जाएगा और इस ऐप का बहुत बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो रिश्वतखोरी होती है या जिन लोगों से बेवजह पैसे ले लिए जाते हैं, जिनको जानकारी भी नहीं होती है, वो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनसे बच सकते हैं। साथ ही साथ खरीदार और संपत्ति को बेचने वालों की पहचान अब EKYC से ही हो जाएगी। EKYC के माध्यम से ही दोनों पक्षों की जानकारी और ये आपके मोबाइल में डेटा मिल जाएगा। सुविधा को प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है और देखिए, इसके पहले दरअसल गुना, हरदा, डिंडौरी और रतलाम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये ऐप लॉन्च किया गया था, इसकी सुविधा दी गई थी इन 4 जिलों में और यहाँ पर इसका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक आया है। लोग इससे काफ़ी खुश हैं, दफ्तरों में भीड़ कम होती है, शिकायतें कम होती हैं और ये जो बेवजह फीस ले ली जाती थी किसी भी प्रक्रिया के नाम पर या जो एक तरीके से कहा जाए जो रिश्वत होती थी, इन पर लगाम लगी है और इससे आम लोगों को जो कि मध्यम वर्गीय हैं, जो कि निम्न वर्गीय हैं, उनको थोड़ी राहत मिली है, थोड़ी नहीं कहें बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और जो बीच में एक दलाल की भूमिका अदा करते हैं वो भी आप साइडलाइन होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि अगर ऐप के माध्यम से आप कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो उसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आप सारी प्रोसेस कर सकते हैं। और देखिए, परीक्षण पूरी तरीके से 4 जिलों में सफल था और ये इसके बहुत ही सकारात्मक पहलू भी निकल कर सामने आए हैं और यही कारण है कि अब प्रदेश के 55 जिलों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक बार फिर पूरे प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। संपदा 2 सॉफ्टवेयर और साथ ही मोबाइल ऐप लॉन्च होने जा रहा है और आप बहुत ही आसानी से, आपको थोड़े नॉलेज की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी और आप बहुत ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको ये योजना कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।